राधे राधे भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुला चौथ की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी और इसका महत्व और कथा क्या है वो भी बताऊंगी। व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की चौथी तिथि को बहुला चतुर्थी का व्रत व पूजन किया जाता है। चतुर्थी तिथि गणेश जी को समर्पित होती है। इस दिन गणेश जी की पूजा के साथ साथ भगवान कृष्ण का और गौ माता का भी पूजन किया जाता है। सुबह में प्रातः जल्दी उठ करके स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र धारण करें और सबसे पहले सूर्य देव को आराध्य दें। फिर उसके बाद अपने घर में पूजा स्थल में मंदिर में आकर सिंपल सी पूजा कर लें और संकल्प लें कि आप किस तरह का व्रत पूजन करेंगे। और जो पूजा व्रत है, संतान व्रती महिला अपने संतान की रक्षा के लिए करती है। शाम के समय इस प्रकार चौकी लगा करके ये पूजन किया जाता है। भक्तों, आप ये पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर अलग से चौकी लगा करके भी इस पूजन को कर सकते हैं। चौकी पर लाल वस्त्र बिछा लें, उसके ऊपर आप राधा कृष्ण जी की फोटो या प्रतिमा विराजमान कर लें और गणेश जी को भी विराजमान कर लें और साथ में गौ माता को भी। आप यहाँ पर चावलों का आसन दे करके सभी को विराजमान कर लें और दीपक भी प्रज्वलित कर लें। उसके बाद हमें गंगा जल से पवित्रीकरण करना होता है, शुद्धिकरण करना होता है। आप चाहे पुष्प की मदद से कर लें या फिर आम या अशोक के पत्ते से भी पवित्रीकरण कर सकते हैं। तो ओम गण गणपते नमो नमः, इस तरह से मंत्र का उच्चारण करते हुए शुद्धिकरण कर लें, गौ माता का पवित्रीकरण कर लें और राधा कृष्ण जी का भी पवित्रीकरण कर लें। अगर आपके पास राधा कृष्ण जी की फोटो या प्रतिमा नहीं है, अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आप लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान कर सकते हैं। और सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे, क्योंकि सर्वप्रथम गणेश जी का ही पूजन हर पूजन में किया जाता है। तो चंदन से, कुमकुम से, इस प्रकार से तिलक लगा देंगे। चौकी पर आप लाल या पीला गुलाबी कपड़ा बिछा सकते हैं। और द्वापर युग में श्री हरि विष्णु जी ने कृष्ण का अवतार लेकर के ब्रज में अनेक लीलाएं की थी। तो इस प्रकार से हम इत्र लगाकर वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे और दुर्वा और साथ में गुलाब का फूल अर्पित कर देंगे। अगर आपको गुड़हल का फूल मिल जाता तो वो आप अर्पित कर लें, तो जो भी मिल पाए आप वो सभी अर्पित कर दें। उसके बाद हम कृष्ण जी को, राधा जी को चंदन से, कुमकुम से तिलक लगाएंगे और देवी देवताओं ने, अन्य देवी देवताएं भी ग्वाले बन करके उनके साथ हो लिए। और जो कामधेनु गाय थी, शिरोमणि बहुला गाय बन करके नंद बाबा के घर में रहने लगी। इस प्रकार से गौ माता का भी पूजन करेंगे। और कृष्ण जी को बहुला गाय से अति प्रेम था, वो भी एक माँ की तरह कृष्ण को प्रेम करती थी। इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा हम राधा कृष्ण जी को और गौ माता को अर्पित करेंगे। जब भी कृष्ण भगवान को भूख लगती थी, तब बहुला गाय के थन से अपने आप दूध बहने लगता था। तो इस प्रकार से वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। ये जो व्रत है, स्त्रियां निर्जल निराहार रखती हैं। इसे आप सुबह सुबह सर्गी भी खा सकते हैं, यदि आप निर्जला व्रत कर रहे हैं। बाकी आप अपने स्वास्थ्य के अनुसार व्रत करें। तो इस प्रकार से पुष्प अर्पित कर देंगे, जो भी आपके पास मिले दुर्वा गौ माता को दे देंगे। भगवान कृष्ण ने गाय को ये वरदान दिया था कि उनकी पूजा घर घर में की जाएगी। इस प्रकार से हम दीपक का भी पूजन करेंगे। इस दिन हो सके तो आप गौशाला जरूर जाएं, गाय को हरा चारा खिलाएं, उन्हें गुड़ चना भी खिला सकते हैं, धूपबत्ती दिखा देंगे, अगरबत्ती। आज के दिन हमें गाय की पूजा जरूर से करनी चाहिए। यदि आप बाहर नहीं जा सकते हैं
तो घर पर ही गाय की मूर्ति की भी पूजा कर सकते हैं। पूजन के दौरान आप गण गणपते नमः, जय गौ माता की, राधे कृष्ण भगवान की जय, इस तरह से पूजन नाम का जाप करते रहें। भगवान गणेश जी का हम भोग प्रसाद अलग से रखेंगे, तो आप अलग से भोग लगाएं इनको, और उसके बाद हमें जल का लोटे का भोग लगा देंगे। और हमें ये जो पूजन है शाम के समय गोधूली वेला में करना है। तुलसी पत्र डाल करके कृष्ण जी को भोग लगा देंगे, इस प्रकार से राधा रानी को, सभी को भोग लगा देंगे और प्रेम पूर्वक इस पूजन को करेंगे। तो इस प्रकार से हम फल का भी भोग लगा देंगे, जो भी आपके पास ऋतु फल हो आप उसका भोग जरूर से लगाएं और भगवान का ध्यान मन ही मन करते रहें। बहुला चतुर्थी का महत्व क्या है वो भी सुन लेते हैं। तो इस प्रकार हम जल का भी भोग लगा देंगे, तुलसी पत्र जरूर से डालें, क्योंकि तुलसी पत्र भगवान कृष्ण को, हरि विष्णु जी को अति प्रिय होता है, उनके बिना भोग ये स्वीकार नहीं करते हैं। बहुला चतुर्थी महत्व इसका है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद के मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान कृष्ण को तुलसी मंजरी सहित चढ़ाएंगे, अक्षत अर्पित कर देंगे सभी को। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन भगवान गणेश की उपासना के साथ ही गौ माता की भी उपासना की जाती है। मान्यता है कि बहुला चतुर्थी के दिन गाय माता की पूजा और सेवा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश और चंद्रदेव की उपासना करने से जीवन में आ रही कई प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो इस तरह से अक्षत और पुष्प लेकर के हमने बहुला चतुर्थी व्रत कथा या कहानी सुननी होती है। बहुला चतुर्थी व्रत जो कथा है, कहानी है, उसकी वीडियो मैंने अलग की है, आप वहां जाकर के कथा अवश्य रूप से सुनिएगा। और जब कथा पूर्ण हो जाती है तो कथा वो अक्षत और पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ देंगे और उसके बाद हम करेंगे कपूर से आरती। आप चाहे तो जो दीपक आपने पहले से ही प्रज्वलित किया है आप उससे भी आरती उतार सकते हैं और ओम गण गणपते नमो नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए आरती कर ले, या गणेश जी की आरती अगर आपको अच्छे प्रकार से आती है तो वो गा करके भी आरती उतार ले, और उसके बाद कृष्ण भगवान का आरती उतार लेंगे। आरती आप अपनी इच्छा अनुसार गा सकते हैं या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं, और इसका मंत्र का उच्चारण जरूर से करें, गौ माता का भी पूजन करें। और साथ में हमें प्रार्थना करनी है, हाथ जोड़ लेंगे, पहले कपूर को, आरती को, जो हमने आरती की थी उसको ठंडा कर देंगे फूल की सहायता से, और उसके बाद आचमनी कर देंगे पुष्प की मदद से सभी को, ताकि जो ये भोग प्रसाद है, धूप दीप है, ये भगवान सहर्ष स्वीकार कर लें। और हाथ जोड़ लेंगे, प्रार्थना करेंगे अपनी संतान की उन्नति के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और दक्षिणा निकालेंगे और उनकी रक्षा के लिए। ऐसे हमें पूजा करना होता है, जो जल का लोटा भर करके रखा है उस चंद्रमा को आराध्य देने के बाद में ही व्रत खोला जाता है। ये जो व्रत है, महिलाएं ज्यादातर निर्जला व्रत करती हैं, तो इस तरह से प्रार्थना करना है कि हमारी संतान की उन्नति के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी रक्षा के लिए, इस तरह से प्रार्थना करना है। और शाम को ही व्रत खोलती है चंद्रमा को आराध्य देने के बाद। चौकी का विसर्जन अगले दिन किया जाता है, और जब हमारा दीपक शांत हो जाता है तो जो भोग प्रसाद चढ़ाया ये हम परिवारजन में बांट लेंगे। दक्षिणा आप गौशाला में दे सकते हैं, किसी पंडित को दे सकते हैं या किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। बाकी जो ये फोटो है या मूर्ति है, गौ जी की मूर्ति, या आप जहाँ से लेके आए थे मंदिर में से उठाएं, तो यथासंभव वहीं पर रख दें वापिस, और उसके बाद अगले दिन ही विसर्जन करना है, क्योंकि हमने शाम को गोधूली वेला में इस पूजन को करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये बहुला चतुर्थी जो व्रत की सरल पूजा विधि मैंने आपके साथ शेयर करी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोग भी
हमारी वीडियो से लाभ प्राप्त कर सके और आप पुण्य के भागीदार बन सके। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय गणेश भगवान की, जय हरि कृष्ण भगवान की, जय गौ माता आप जरूर से लिखें। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।